एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम गुड टू। और मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तकरीबन टाइम हो रहा है 6:35 का। आप लोग यहाँ पर गैस करके बताएं कि हम लोग एज़ यूजुअल कहाँ जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने मेरे 3 मंथ से भी अगर व्लॉग देख रहे हैं ना, तो आप फ़ौरन बता देंगे कि कहाँ जा रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पहले बताएं, फिर आगे कंटिन्यू करूँगी व्लॉग। तो यस, हम लोग रियाद जा रहे हैं एज़ यूजुअल। हस्बैंड की ट्रेनिंग है वहाँ पर, उनकी आई थिंक 4 to 5 days की है। उन्होंने पूछा था कि चलना है, तो फिर मैं आ गई, क्योंकि यहाँ पर भी वैसे भी मैंने होटल में आकर कह दो ना और वहाँ पर घर में कह दो ना, तो कोई डिफरेंस तो है नहीं। बस यहाँ पर ये यह होता है कि हस्बैंड काम करके घर ही आएंगे, मतलब होटल आएंगे, तो बस। तो एकदम से जगह बदल गई, जज्बात बदल गए वाला। तो जो है ना, हम लोग नाश्ते के लिए रुके, नाश्ता करने के लिए अंदर आकर बैठी हूँ मैं, और नाश्ता करते हैं फिर चलेंगे। खा लिया है, और एक पूरा बड़ा पराठा बच गया है, तो उसको ये एक पैक करवा के रख दिया है। यहाँ पर मेरे हाथ में पानी के बोतल हैं, तो पहले मैं कार में बैठती हूँ। हम लोग इधर आए, ये बिल्कुल साइड एरिया है। यहाँ पर आसपास बस कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं है। बाकी होटल जो मेरे ख़्याल से नियरेस्ट हस्बैंड की ट्रेनिंग के जो होगा, तो जो उनको देनी है ट्रेनिंग, उसके करीब जो होगा, मतलब था ये होटल, तो ये शायद पहले से ही बुक था, क्योंकि लोकेशन देखते हुए हम लोग यहाँ पर आए हैं। फाइनली वी रीच्ड, और मैं पहले सोच रही हूँ कि आप लोग को रूम टूर दे दूँ, क्योंकि उसके बाद जो हाल होता है ना कमरे का, वो फिर हशर हो जाता है, और फिर मेरा कोई मूड नहीं है। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि हम लोग रियाद से भी तकरीबन 1 घंटा तकरीबन आगे आ गए, क्योंकि इनकी जहाँ पर फील्ड थी वहीं पर, मतलब जो भी है ना, मतलब क्या कह सकते हैं कि ट्रेनिंग देनी है, उसके करीब होटल जो भी मिला है वहाँ पर रहेंगे। तो मतलब बहुत बुरी हालत हो रही है। एक तो 5 आवर्स का वो, और मुझे लग रहा है 6 आवर्स का ही पड़ गया हमें तकरीबन ये जो है ना। तो जल्दी से मैं आपको रूम टूर देती हूँ। ओके, सो दिस इज़ एन एंट्रेंस, और इसके बिल्कुल साइड में लेफ्ट हैंड में ना ये अलमारी टाइप है, अलमारी टाइप क्या, अलमारी ही है कवर्ड। और ओके, सो इस बार मैं इस्त्री लेकर आई थी, क्योंकि कभी हमें इस्त्री मिली नहीं है, तो इस बार रखी हुई मिल गई। मतलब क्या सीन है, कैसी आवाज़ आ रही है इसके अंदर से। और यहाँ पर आयरन स्टैंड भी है, सो वाओ। मतलब मुझे इतनी वो हो रही है कि इस बार जब हम लेकर आ गए तो हैगा मतलब सामान ना। और ये लेफ्ट हैंड पे अलमारी है, ये एंट्रेंस है, और यहाँ पर राइट हैंड पे वॉशरूम है। सो क्लीन, नीट एंड क्लीन वॉशरूम। तो यहाँ पर साइड में बाथ एरिया है, आई होप कि आपको समझ आ रहा हो। और ये बंद करते हैं, और यहाँ से दिखाती हूँ सारा रूम से वाइड एंगल में भी देख लें, ठीक है ना। वो मेरा लेफ्ट हैंड था, बट जब एंटर होंगे तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट। आई होप कि आपको समझ आ गया सारा। ओके, तो यहाँ पर एंटर होते हैं तो लेफ्ट हैंड पे ये बेडरूम सेट है, मतलब डिवाइडर, उसके साइडर मतलब, और बेड है सामने, ग्रीन सोफ़ा रखा हुआ है सिंगल। यहाँ पर 2 चेयर्स के साथ एक टेबल, मिनी टेबल दी हुई है। ये बहुत अच्छा मुझे लगा कि खाने के लिए दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमें बेड पे बैठकर खाना है। और यहाँ पर ये यहाँ पर सारा मैंने अपना सामान रख दिया है, टीवी एंड
फुल मिरर सबसे अच्छा मुझे ये लगा। सो फुल मिरर, यहाँ पर हमारा लगेज है और फ्रिज है जो बिल्कुल खाली है, कुछ चॉकलेट्स ही दे देते हैं हमें रखकर, टिश्यू बॉक्स, कैटल और चाय का सामान सारा जो भी होता है, बट ये पाउडर कभी भी नहीं देते, मिल्क पाउडर कभी नहीं देते क्योंकि ये लोग तो कहवा पीते हैं। यहाँ पर छोटू सा मिनी प्लांट रखा हुआ है। तो आई होप के आपको होम टूर कह रही हूँ, रूम टूर मतलब समझ आ गया हो। तो कुछ दिनों के लिए हमारे लिए हमारा यही घर है, अगर हस्बैंड ने चेंज नहीं किया कि जहाँ पर ट्रेनिंग है और करीब या कहीं चेंज हो रही हो जगह। सो या अब मैं चेंज करती हूँ या बाया उतारती हूँ, सब मतलब रिलैक्स होना है मुझे ना, इतनी बुरी हालत हो रही है। ये बिरयानी है, ये किस तरह की बिरयानी है, ये किसी भी ऑरेंज वाइट और येलो की, वाइट येलो ऑरेंज के तरह की कोई राइस हैंगे और बिरयानी कह रहे हैं वो निकालो, क्या है वो सैलेड है। तो दोपहर में यही खाएंगे, वैसे तो 12 बज रहे हैं बट हमने नाश्ता इतनी देर से कर लिया, जल्दी कर लिया था सॉरी, कि 12 बजे ही खा लेते। मैं मोबाइल चार्ज पे लगाऊं, चार्ज ही नहीं किया था मैंने क्योंकि मेरा गाड़ी में ही रह गया था चार्जर। हेलो गाइस, इट्स इवनिंग टाइम। हम लोग सुबह जो है ना, मेरे ही सारी अब डिटेल बताती हूँ, ये हुआ कि हम लोग सुबह 4 बजे उठ गए थे, 4:30 बजे, और 5 बजे घर से निकल गए थे। और मैं सो ही रात 1:30 बजे थी ना, तो तकरीबन 2-3 घंटे की नींद हुई थी, उसके बाद पूरे रास्ते में बिल्कुल भी नहीं सोई। तो फिर जो है ना, हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं तकरीबन 11 बज गए थे आई थिंक। तो ना बस फिर मैं तो 10:45 तो तकरीबन कम से कम भी हो ही रहे थे ना, तो मैं आई हूँ और आकर जो है ना वॉशरूम वगैरह से होकर मैं लेट गई ना, सो गई। फिर जो है हस्बैंड आए थे 1 बजे, वो जो मैंने खाने का नहीं दिखाया, वो 12:00 नहीं 1 बज रहे थे। तो वो बिरयानी टाइप कुछ लाए थे, अब बाकी वो बिरयानी टाइप थी, वो दिखने में ऐसी लग रही थी बट टेस्ट वाइज काफ़ी बेटर थी, फिर भी खा ली गई थी। और फिर वो खाया और हम दोनों दोबारा सो गए और अभी उठे हैं, हस्बैंड थोड़ी देर पहले उठ गए थे, मैं अभी उठी हूँ। और जो है बस फिर हमारा सारा दिन सोकर गुजरा। 6 बज रहे, मैं यहाँ पर ये क्या कहते हैं ग्रेप्स खा रही हूँ, अगर वीडियो पीछे से सही बनी है तो बस ये मैं ग्रेप्स खा रही थी। और अभी टीवी चलाया है, एक मूवी आ रही है, लेकिन पहले तो रिमोट ही नहीं चल रहे थे, तो हस्बैंड ने अपने मतलब सेल वो बैग में से निकाल के लगाए, लेकिन दूसरा रिमोट ही नहीं चल रहा, वो भी लेकर गए। और दूसरा ये कि टी का मतलब बाकी तो सामान होता है ऑब्वियस है, वैसे तो मैं भी लेकर आई थी, हमारे पास टी बैग रखे थे वो शुगर, तो मैं ले आई थी कि यहाँ से हम लोग मिल्क मंगा लेंगे, फ्रिज होता है कि उसमें रख लेंगे, तो हस्बैंड वही लेने गए हैं एवेपोरेटेड मिल्क। तो तब तक मैं ग्रेप्स खा रही हूँ और फिर चाय बनाते हैं, थोड़ी चीज़ें वीज़ें खाते हैं चटर पटर। तो आजकल काफ़ी लोग ये वाली वीडियो बना रहे थे, व्हाट आई ईट इन अ डे शॉर्ट, मतलब शॉर्ट आजकल चल रहे हैं, मैंने सोचा पूरे में बना देते क्योंकि मुझे फिर यही होता है कि मैं और क्या करूँ, क्या बनाऊँ। ये सारी रूम की हालत हो रही है वहाँ पर, वो हस्बैंड कुछ लेकर आए थे, उनके ऑफिस का है, वहाँ पर खाने का है और मूवी लगाई है, ग्रेप्स रखे हैं, इनका लैपटॉप है, तो यही सारी हालत हुई है। और यहाँ पर मैंने बनाई है चाय, और रास्ते से मैंने ग्रॉसरी स्टोर से ना एक ये ले ली थी, ये बहुत मज़े के होते हैं, क्यूमिन फ्लेवर में है और इसके साथ आई थिंक लेमन फ्लेवर है, पर बहुत मज़े के होते हैं। और चाय, सो शाम की ये सारी चीज़ें हो गई खाने की। तकरीबन रात का टाइम है, 9:15 हो रहे हैं, हाँ 9:30 हो गए, तो हम लोगों ने खाना खा लिया। खाना मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि दोपहर में जो राइस लेकर आए थे बिरयानी हस्बैंड, वो ही हमने खाई है। और अभी वो गए हैं पानी वगैरह लेने के लिए, बाकी मैं अभी पीने वाली हूँ रात में सोने के टाइम, तो वो भी दिखा देती हूँ क्योंकि व्हाट आई ईट वाली कहानी चल रही है। तो ये स्ट्रॉबेरी मैं मंगाई थी, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक मदा मंगाया था मैंने, ना देख का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, तो ये रात में सोने से पहले पी लूँगी।
क्योंकि भूख लगती है मुझे ना, अगर मैंने जल्दी खाना खा लिया या देर तक मैं अगर जागूंगी ना, तो थोड़ा सा, मुझे ये नहीं मैं पूरी बॉटल पीऊँगी, बस थोड़ा सा पी लूँगी, एक वो आसरा वाला हो जाता है। तो ये है आज का, बाकी फिर देखते हैं आगे जो भी होगा। हेलो गाइस, इट्स अ मॉर्निंग टाइम। अभी मैंने अपनी तरफ नहीं किया हुआ मोबाइल, क्योंकि बहुत बुरी हालत हो रही थी। मेरा फेस, मतलब मास्क भी नहीं लगाया हुआ है, ना कोई स्कार्फ पहना हुआ है। ये देखें, ये बेड ये ऐसे हुआ हुआ है, और टीवी चला है, यहाँ पर भी सारा मैस है। यहाँ पर मैंने अपना नाश्ता तैयार कर लिया है, तो आई एम गोइंग टू ईट दिस पराठा एंड चाय। और कुछ भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि हस्बैंड तो रात से ही ट्रेनिंग पे हैं। वो रात की उनकी ट्रेनिंग, मतलब उनको देनी थी, तो वो 2 बजे चले गए थे, और फिर तकरीबन आए 5-6 बजे, और 7:30 वो दोबारा चले गए। तो अभी जो मेरे पास है, मैं वो ही खाऊँगी, बिल्कुल ठंडा हो गया, और चाय भी अब ठंडी होने वाली है, मैंने काफ़ी देर से बनाई हुई थी। तो बस लेट्स हैव दिस और टीवी देखते हैं। गाइस, इट इज़ द नेक्स्ट डे जब मैं वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पर कुछ भी नहीं है करने को, एक ही रूम है जहाँ पर मेरा सुबह से रात तक का टाइम गुजर रहा है। हस्बैंड एज यूजुअल फील्ड पे है, तो यहाँ पर कोई मैं कोई किकिंग में कुकिंग और क्लीनिंग का किकिंग बन गया, कुकिंग क्लीनिंग कुछ भी नहीं कर रही हूँ। एसी बंद किया हुआ, तो इतनी खामोशी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ना बैठ के खाना खाते हैं तो ये डायरेक्ट हवा पड़ती है, बहुत बुरी हालत हो जाती है, फिर इतनी ठंड लगती है। तो गर्मी बहुत है, लेकिन वही ना, छोटू सा रूम है और एसी बड़ा है, तो वो ज़्यादा कूलिंग कर रहा है। कहाँ चली गई मैं, तो यही मैं सोच रही हूँ कि ब्लॉग लोगों को बोरिंग लगते हैं, अब आप खुद बताओ। और लोग सोचते हैं, वाओ यार रियाद जा रही है, अब ये बताओ ये घूमना है कोई? सारा दिन आप सिर्फ घर में हो, और यहाँ पर तो काम वाम भी नहीं है, तो और ज़्यादा बोरियत हो जाती है। बस मेरा आने का मकसद ये होता है कि वहाँ पर मैं बिल्कुल अकेली रहूँगी। चलो यहाँ पर हस्बैंड आ तो जाएंगे घर पर, मैं एक साथ बोलती चली गई, बहुत सांस फूल रहा है। तो रात भर की ट्रेनिंग के बाद हस्बैंड अभी आए, वो तो यकीनन सो जाएंगे ऑब्वियस है, अब उन्हें कल जाना है वैसे तो, लेकिन मैं बताएं क्या करूं। तो क्या ब्लॉग में दिखाऊं? आप लोग मुझे सजेस्ट तो करें ना, लोग मुझे कहते हैं इतने बोरिंग कभी कभी ब्लॉग हो जाते हैं, जैसे जो फेस टाइम पर, मतलब फेस टू फेस मिलते हैं, अगर मेरी कज़न है, मामा ही है, वो बताते हैं, तो बताओ मैं क्या बनाऊँ ना। तो ये चीज़ रहेगी, अब यहाँ पर रहकर कोई याद आना घूमना और बहुत मज़े की बात नहीं होती है, और ज़्यादा बोरियत होती है। बाय द वे, हस्बैंड लेकर आए थे ये हलीम, और इसमें ना इतनी सारी इन्होंने हरी मिर्चें डाल दी हैं, वो सारी मैंने निकाली हैं, क्योंकि कच्ची हरी मिर्चें डाली हुई हैं। तो अभी बस दोपहर में यही खाऊंगी, बाकी यहाँ पर रोटी है, सैलड है उसमें, बाकी टेस्ट वाइज अच्छा है ये, तो बस अभी ये खाने लगी हूँ। सो इट्स इवनिंग टाइम, और हम लोग खाना वाना खा के सो गए थे, अभी उठे हैं, हस्बैंड जब तक वजू कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं मेलन कट कर रही हूँ, हस्बैंड लेकर आए थे तो वो खाते हैं। तो यही है व्लॉग, कि हम उठ गए, हम सो रहे हैं, हम खा रहे हैं, तो यही दिखाती रहूँगी, और क्या दिखाऊँ। ये यहाँ पर मैंने मेलन कट कर लिया है, वैसे तो ऐसा लग रहा है मैंगो है, बट ये मेलन है, और इतने कोई मज़े का है, बहुत मीठा है ये, बहुत मज़े का है। इट्स इवनिंग टाइम, और थोड़ा बाहर राउंड लगाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल घर में बंद रह रहकर ना उलझन हो जाती है। तो लेट्स सी के कहाँ पर जाते हैं, थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं, देखते हैं कहाँ पर जाते हैं। मैं तो कह रही थी 5 रियाल चलते हैं, क्योंकि 5 रियाल से ना मुझे कुछ चीज़ें लानी है, जैसे डिस्पोजेबल प्लेट वगैरह ना, बट वो यहाँ से काफ़ी दूर दिखा रहा है, अब देखते हैं। लेट्स सी, लिफ्ट आ गई। लोग यहाँ पर आए एज यूजुअल, यहीं पर करीब में एक छोटू सा मॉल है, उसमें सेंटर पॉइंट और रेड टैग है, वही देख लेते हैं, मतलब ले देकर ना वही कहानी है, मतलब क्या कहे। बहरहाल यहाँ पर ना रियाद में एक 1 रियाल शॉप भी है, मेरा तो इतना बार मतलब दिल करता है कि जाऊँ, यहाँ पर कितनी अच्छी आ रही है, तो लेकिन जा ही नहीं पाती। लेट्स गो इनसाइड। हम लोग आए रेड टैग पे एज यूजुअल, क्योंकि रेड टैग पे काफ़ी अच्छी सेल होती है, जब भी कुछ लेना हो ना वो ले लो। और किड सेक्शन से इतने प्यारी ड्रेसेस होती हैं ना, ये देखें शॉर्ट है, इतने क्यूट क्यूट होते हैं कपड़े बच्चों के दिल करता है बड़ों के भी ऐसे ही हों, बट बड़ों के तो होते नहीं हैं ऐसा कुछ। और ये देखते हैं इतना कुछ फैंसी सा है ना, बट इसका नेक जो होता है ना हमेशा बहुत डीप होता है, 75 रियाल का, 118 रियाल से। ये देखो कितना कोई क्यूट शॉर्ट हैगा, ये भी
मुझे ना ऐसे बड़े अच्छे लगते, कितनी क्यूट सी फ्रॉक है। वन सेकेंड, मैं जब भी कोई यहाँ पर आती हूँ ना, चीज़ उठाती हूँ तो ज़रूर गिरती है। कितनी प्यारी लग रही है वाली फ्रॉक, दानीन को आएगी है, बल्कि दानीन भी अब शायद बड़ी हो गई इससे। तो हम लोग वहाँ से होकर आ गए रेड टेक, हम लोग 1 आवर तक बस घूमते रहे, चीज़ें अच्छी लगती रही, देखते रहे, और अब हम जा रहे हैं सेंटर पॉइंट स्प्लैश। ग्रॉसरी शॉपिंग कर रहे हैं और लुक एट दिस, मुझे क्या दिखा है, प्रिंगल्स के इतने बड़े पैक, वो भी दो एक साथ। ये मुझे पता है क्या देखकर लग रहा है, वो जो हम सीजन्स देखते हैं ना एक ही रात में बैठकर और एक ही उसमें ना वन वॉच करके, तो उन्होंने ये बना दिया कि एक ही सीज़न के साथ ये खाते जाओ और ख़त्म करते जाओ और देखते जाओ, बस ये वाला सीन है। सही बताइएगा मुझे, ये देखकर वही याद आया कि सीज़न ख़त्म करो इसको देख खाते हुए ना। बाकी मैं अपनी ग्रॉसरी कंप्लीट करती हूँ फिर चलते हैं। तो यहाँ पर ही इसी मॉल के अंदर ना पांडा था, तो हम लोगों ने कुछ मिल्क वगैरह लिए, डिस्पोजिबल प्लेट्स लिए, क्योंकि एक ज़रूरत पड़ ही जाती है। वैसे तो सुफरा मिलता है, वहाँ पर बेचारा ही बच्चा बैठा हुआ रो रहा है। बहरहाल तो अब चलते हैं, भूख लग रही है, खाना खाते हैं। वैसे तो यहाँ पर कोई बहुत अच्छे फेमस रेस्टोरेंट तो है नहीं, फेमस क्या, एक नॉर्मली भी ऐसे कोई बहुत ख़ास नहीं है, बिल्कुल छोटे मोटे से ऐसे ही है, क्योंकि वर्किंग एरिया है ज़्यादातर, तो उसी हिसाब से उन्होंने रखे हुए हैं। तो लेकिन बहुत भूख लग रही है तो वहीं बैठ के खाते हैं और फिर घर चलते हैं। ना बच्चे जो आए हैं ना यहाँ पर, असल में ना बैक टू स्कूल या स्कूल मतलब ओपन हो गए हैं, तो उसके लिए ना ऑफ़र लगाई हुई है बहुत अच्छी, बच्चों की टॉयस से लेकर और सारी स्कूल की काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है ना चीज़ें। और बच्चे ऐसे रो रहे हैं भाई, लेट लेट के ज़मीन पर, शदीद वाला नहीं होता वो वाले रो रहे, इतनी चीखों पुकार हो रही थी अभी पीछे। एक रेस्टोरेंट में आए खाना खाने के लिए, कोई भी नहीं है यहाँ पर, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा मेरी भी जो है लाउड हो रही है। अभी ऑर्डर दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री क्रैकर्स रखे हुए, रायता है और इसके अंदर अचार है। अचार की इतनी खुशबू हो रही है इस एरिया में, ऑब्वियस है कि ये इंडियन रेस्टोरेंट है, तो इनके यहाँ तो पापड़ बहुत ज़्यादा खाने के साथ खाए जाते हैं, और अचार वैसे अपने यहाँ भी होते हैं, बट यहाँ जो भी है। सो या खाना खा लिया मैंने, एक ही रिंग में अपनी सारी, एक ही उंगली में सारी रिंग्स पहन ली, एक ही रिंग में बोल रही हूँ। और ये जो मतलब होटल के एम्बियंस है ना, मतलब इतनी अच्छी है ना, ये सारा बहुत प्यारा है, मतलब बना हुआ है जो है ना आर्किटेक्ट वगैरह, ये देखें सब बहुत अच्छा है। बाकी अब घर चलते हैं और फाइनली मैं यहाँ पर ये ब्लॉग करूँगी, एंड अल्लाह हाफिज़। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।